नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और मुझे इतना प्यार दिया, उस सभी के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए काम करते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। वो जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा है, तो नेचर ऑफ रूट्स अब मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से डिपेंड्स करता है, ये डिपेंड्स ऑन डी एंड ए बी सी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और वो डी होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें खास बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगा और ये हटते ही लीनियर बन जाएगा। तो डी के लिए खास बात यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो पूरी तरह से जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डी और एबीसी पर डिपेंड करता है। आपको एबीसी पहचानना आ गया होगा। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स, सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। तो आप लोगों ने जो 10th लेवल में पढ़ रखा है ना, 10th क्लास में, वो ये सब पढ़ रखा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और उसके नेचर के बारे में अगर किसी ने डिस्कस करना चाहा तो आप तुरंत डी निकालते हैं और डी निकाल के उसका नेचर बता देते हैं। कैसे? अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई, माने डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। दोनों रूट्स रियल भी होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, माने पॉजिटिव नंबर आ गया, डी का मान पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है अगर डी की वैल्यू, तो आप ये कहेंगे कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो इमेजनरी होंगे, माने काल्पनिक होंगे। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। पेयर्स की फॉर्म में कैसे आते हैं? जैसे पहला रूट अगर ए प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा रूट जो होगा वो ए माइनस आयोटा बी होगा, जिसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। कॉन्जुगेट पेयर के अंदर तो जो इमेजिनरी रूट्स हमेशा एक मालूम है, तो दूसरे वाले में जो आयोटा की टर्म होगी ना, उसको मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो उसका दूसरा रूट आ जाता है। तो कौन जो हमारे पास ये रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी पेयर्स के अंदर होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये सब चीजें 10th क्लास में पढ़ रखी है। अब हम 11th क्लास के अंदर आते हैं कि 11th क्लास में जब नेचर ऑफ रूट्स आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, उसको भी मैं फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए 11th लेवल का चलते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो आपने नहीं पढ़ी होगी। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और डी आपको मालूम है डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और इसके साथ में जो ए बी सी होंगे ना, वो पहले तो हमने लिया था कोई रियल नंबर आर में से बिलोंग कर रहा था। हम जो 11th में पढ़ रहे हैं उसमें ए बी सी को हम किसी रैशनल नंबर में से बिलोंग करता हुआ मानते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको रेशनल नंबर का आइडिया होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो एबीसी जो है वो क्यू में से बिलोंग कर रहा है, मैंने एबीसी अगर रेशनल नंबर होंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो मैं आपको फ्लो चार्ट बना के इसमें बता देता हूँ। दो घटना हो सकती है इसमें, जो हमारे पास दो तरह की बातें हो सकती है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या तो डी इक्वल टू जीरो होगा या फिर डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर मान लीजिए डी इक्वल टू जीरो है, तब तो इसमें पहली बात है कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? दोनों समान होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे। ठीक है, और जो दोनों रूट्स बराबर होंगे, साथ ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। इसका मतलब दूसरी बात, अगर रूट डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और उसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम क्यू, ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बिकम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कब बनेगा, जब बी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमने जो केस था वो बी इक्वल टू जीरो के लिए पढ़ लिया कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगी और एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं जब बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसमें भी दो बातें होंगी भाई। जब डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो दो बातें कौन कौन सी होगी, या तो डी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होगा, या फिर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, ये दो बातें होंगी। अगर डी लेस देन जीरो आ गया आपके पास, अगर डी लेस देन जीरो आ गया, तो अगर डी लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे। और दूसरी बात ये होगी कि रूट्स जो होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो रूट्स आर कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स में मतलब इस तरह से ए प्लस आयोटा भी अगर रूट है तो दूसरा ए माइनस आयोटा भी होगा इस फॉर्म में। ये हमारे पास जब डी लेस देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स, डी ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब रूट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रूट्स अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो पहली चीज तो रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब रूट्स अलग अलग होंगे। अच्छा, रूट्स अलग अलग हो गए। अब डी ग्रेटर देन जीरो में भी दो केस है। अब दो केस कैसे हैं इसमें, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। दो केस इस तरह से हैं कि या तो डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तो डी का क्या हो रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या फिर डी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया तो अब या फिर डी क्या हो रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। ये दो चीजें हो सकती है, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका रूट नहीं निकाल पाते हम लोग, तो उस केस में जो हमारे पास रूट होंगे वो रूट इरेशनल रूट होंगे, अपरिमेय होंगे, ठीक है। इरेशनल रूट्स, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। और इरेशनल रूट्स जो होते हैं ना वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर होंगे, ठीक है। इरेशनल रूट भी हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। रूट्स जो होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स के फॉर्म में होंगे। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा दो बातें होगी, या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा तो उस केस में रूट कैसे होंगे, इरेशनल रूट होंगे, और रूट्स के कॉन्जुगेट पेयर्स बनेंगे। कैसे कॉन्जुगेट पेयर्स, जैसे मान लीजिए एक रूट आ रहा है आपके पास 1 + √3, तो अगला जो रूट होगा वो कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब यहाँ पर जो रूट वाली पार्टी है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, तो मैंने 1 - √3 इसका अगला रूट हो जाएगा, मतलब इस फॉर्म में आएगा हमारे पास रूट। मैंने एक रूट अगर मालूम है तो हम दूसरा रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो पहली बात जो रूट्स होंगे हमारे पास वो इरेशनल नहीं होके रेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे होंगे इस केस में, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे पास होंगे रेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। अब अगर रूट्स रेशनल आ गए हैं तो इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, इसमें भी केस है। और इसमें केस ये है कि अगर इफ, अब ध्यान से देखना, रूट परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब हमारे पास रूट जो आएंगे वो रैशनल नंबर आएंगे। पर इसमें एक केस और आता है रूट्स के इंटीजर होने का। तो उस रूट्स के इंटीजर होने की क्या खास बात होगी, उसकी खास बात यह है कि इफ ए इज इक्वल टू वन, अगर ए वन है एंड बी सी बिलोंग्स टू आई, मतलब अगर ए वन हो जाए और बी और सी कोई इंटीजर नंबर हो, बी और सी कोई इंटीजर नंबर हो, देन रूट्स आर इंटीजर। रूट्स आर क्या होंगे, इंटीजर। ये बहुत ही काम के हमारे पास, ये पूरा जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है वो नेचर ऑफ रूट जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं,
या कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे आईआईटी का हो गया, एनडीए का हो गया, इसके बाद से है ना मैथमेटिक्स के ओलंपियाड वगैरह के, उनमें इस पे पूरे में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। वापिस से मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। क्या किया हमने, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इसके लिए खास बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू जीरो होगा, माने x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर b की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, हम जानते हैं। और abc इस केस में हमने q में से लिया, abc अगर q नहीं है माने रैशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग फिर श्रीधराचार्य रूल से, जो हमारा पुराना वाला रूल है, उसी से हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर क्यू में से बिलोंग कर रहा है, कोई रेशनल नंबर है, तो उसमें दो केस होगा, या तो डी इक्वल टू जीरो होगा या डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे, और रूट्स इक्वल होने के साथ साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16 लिख दिया इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपसे ये कहा कि इसका नेचर ऑफ रूट्स बताइए, तो आप नेचर ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, डी याद करेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए की वैल्यू आपको मालूम है 1 दे रखा है, बी की वैल्यू आपको मालूम है माइनस 8 है, और सी की वैल्यू आपके पास 16 है, तो आप क्या करेंगे, डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16, ये 16 इंटू 4 64 होता है, 64 माइनस 64 कितना हो जाएगा, जीरो। तो आप ध्यान से देखो रूट्स कैसे आ गए, इसका जो डी आ गया वो जीरो आ गया। डी जीरो आने के साथ साथ क्या एबीसी कोई रेशनल नंबर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एबीसी कोई रेशनल नंबर भी है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस पूरे का एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस बी अपॉन टू ए। अब माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस एट, और माइनस एक और लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, प्लस एट अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये बनेगा इसकी वैल्यू। आपको अगर नहीं लग रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए इंप्लाइज एक्स माइनस, ये हो गया 2 से 8 कैंसिल हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस 4, और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर, और उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब आते हैं डी नॉट इक्वल टू जीरो में, इधर आते हैं। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो दो केस होंगे, या तो डी लेस देन जीरो होगा, यानी डी या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेस देन जीरो माने डी अगर नेगेटिव आया है हमारे पास, तो उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और रूट्स आर कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में, इमेजिनरी के साथ साथ कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे। जैसे ए प्लस आयोटा भी है तो दूसरा रूट ए माइनस आयोटा भी होगा। डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स अलग अलग होंगे, हमेशा डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब रूट अलग अलग होंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो उसके खुद के दो केस है, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल रूट्स होंगे, क्यों, क्योंकि इसका रूट निकलेगा ही नहीं, डी जो होगा ना हमारे पास उसका रूट ही नहीं निकलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट नहीं निकलेगा, और अंडर रूट आते हैं क्या बन जाता है, इरेशनल। इसका मतलब इरेशनल रूट्स होंगे, और वो जो रूट्स होंगे इरेशनल रूट्स, वो भी किसमें होंगे, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में। जैसे एक अगर 1 + √3 है तो दूसरा 1 - √3 होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में हमारे पास रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, और रैशनल रूट्स और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे और रैशनल रूट्स होंगे। इसमें भी खास बात यह है कि अगर ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 हो, बी और सी कोई इंटीजर नंबर हो, तो उस केस में जो रूट्स आएंगे वो कैसे रूट्स होंगे, इंटीजर रूट्स होंगे। कैसे, अब मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, यहाँ इसका एक एग्जांपल मैं ऊपर बता देता हूँ, देखो इसका एक एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। आप ध्यान से देखो क्या इस चीज को, ये चीज लागू हो रहा है, ए की वैल्यू बोलो इसमें कितनी है 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू तो 1 आ गई, और बी और सी दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीजर नंबर है। अगर दोनों के दोनों इंटीजर नंबर है तो इसका रूट निकालोगे, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -2 और -3। अब फाइंड आउट करके देखना, ये इंटीजर आएंगे तो रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर, और ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इंटीजर नंबर ही है। तो ये हमारे पास काम के पूरा का पूरा जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो बहुत ही काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है, और ये फ्लो चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वरना इन सारी चीजों को लिखवाने में कम से कम
चार से पांच पेज आपके लग जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं। कुछ नोट्स डाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम लोग लिख लेते हैं, और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का क्वेश्चन करते समय यूज होगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट रूट, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें पहला है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन वन रूट इज वन एंड अदर इज सी बाय ए। माने इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हम बात तो पूरी जो बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही कर रहे हैं, माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं इसमें? और इसमें हमने ये कहा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो एक रूट तो एक होगा और दूसरा रूट जो होगा वो सी बाय ए होगा। कैसे होगा, अब उसको मैं प्रूफ करके यहाँ बता देता हूँ आपको। इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक्स की वो वैल्यू होती है जो उसको सेटिस्फाई करता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक्स की वो वैल्यू होती है जो उसको सेटिस्फाई करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो लाना है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ। सोचो मैंने एक्स इज इक्वल टू वन पुट किया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। एक्स की जगह वन, एक्स की जगह वन, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। और ये एक्स की वैल्यू है, इसका मतलब ये एक रूट हमारे पास वन है, यानी अल्फा की वैल्यू वन है। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब दूसरा रूट माने बीटा की वैल्यू। तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है हमारे पास, दो रूट का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर किसके रूट मान लिया हमने अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है। अब हमको एक रूट अल्फा तो मालूम है वन है, तो एक रूट वन है तो वन इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आई है वो आ गया सी बाय ए। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया कि एक रूट अगर वन है तो दूसरा रूट क्या आएगा, सी बाय ए आएगा। तो आप इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो रही है तो एक रूट वन होगा और दूसरा रूट सी बाय ए होगा। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट नोट था। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं अपन, सेकंड पॉइंट के बारे में। और वो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है, अगर सेकंड पॉइंट है कि इफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन वन रूट इज माइनस वन एंड अदर इज सी बाय माइनस सी बाय ए। ये हमारे पास जो दूसरा रूट होगा वो कितना होगा, माइनस का सी बाय ए होगा। इसका भी आप प्रूफ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देते हैं। जैसे ही माइनस वन आप यहाँ पुट करोगे तो इसका मतलब माइनस वन यहाँ रखते ही ये माइनस वन, एक्स की माइनस वन का स्क्वायर वन होगा तो ये बचेगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस का बी हो जाएगा और ये प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो ये जो माइनस वन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक रूट जो इसका आ गया वो माइनस वन आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ गई तो हम इसके रूट सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा अल्फा इंटू बीटा वो हमारे पास सी बाय होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस से करेंगे तो ये प्लस का बीटा हो जाएगा और ये माइनस का सी बाय हो जाएगा। तो आपके सामने एक रूट तो आ गया माइनस वन और दूसरा रूट आ गया हमारे पास माइनस का सी बाय ए। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो आप समझ जाना कि उसका एक रूट जो है वो माइनस वन है और दूसरा रूट सी बाय माइनस का सी बाय ए होगा। समझ में आ गई बात? तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट रूट हमारे पास आ चुका है, दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आ गया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। हमारे पास है
थर्ड पॉइंट। जो तीसरा दो पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं दो पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास है तीसरा पॉइंट, कि क्वेश्चन वाला कहता है कि इफ कॉफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ क्यू ई, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ कॉफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन साइक्लिक साइक्लिक ऑर्डर, देन इफ कॉफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन साइक्लिक ऑर्डर, देन वन रूट इज वन एंड अदर रूट इज सी बाय ए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशियंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में है। अब साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस कॉफिशियंट में ए की जो वैल्यू है वो ए माइनस बी है, और जो बी की वैल्यू है वो बी माइनस सी है, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास सी माइनस ए है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो कॉफिशियंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में है? साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पहले ए फिर बी फिर सी, क्या ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए ध्यान से, ए माइनस बी आ गया, फिर बी माइनस सी आ गया, फिर सी माइनस ए आ गया। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना, सॉरी कॉफिशियंट जो है ना, वो सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर ये चक्रीय क्रम में है यानी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसका एक रूट तो एक होगा और दूसरा रूट जो होगा वो सी बाय होगा। अब कैसे होगा सी बाय, वो समझिए इसको ध्यान से। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉफिशियंट ए बी सी हमने सपोज करा है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। देखो ध्यान से, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ए से ए कट गया, माइनस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होते कितना आ गया, जीरो। और अभी हमने हमारा पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो आ जाए तो वन रूट माने एक रूट अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, वन, और जो हमारा दूसरा रूट जो बीटा होता है वो क्या होता है, सी बाय ए, कैपिटल सी बाय ए। तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तो सी बाय ए, और दूसरा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, तो ये हमारे पास दूसरा रूट बीटा आ गया है। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आपको ये पता लग गया कि इसके रूट अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है, यानी साइक्लिक ऑर्डर में है, सॉरी, तो ये एक रूट जो होगा उसका वन होगा और दूसरा रूट होगा सी बाय ए, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, और जीरो बनते ही हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो आते ही, जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो एक रूट वन होता है और दूसरा रूट सी बाय ए होता है, उस चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, इसको याद रखना, बहुत ही काम का पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा ये। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है, उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है और वो भी बहुत काम का पॉइंट है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इट इज रिटन एज, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। यह हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो को, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके ये है हमारे पास, उसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में इंपॉर्टेंट चीज है, बट इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल
सी देन इट इज रिटन एज, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये जो हमारे पास एफ एक्स है, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, शून्यक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जीरोज। तो उसके अगर जीरोज अल्फा बीटा है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आप कैसे लिख सकते हैं उसको समझिए, जरा ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको, इसका मैं प्रूफ भी आपको बताता हूँ। जैसे एफ एक्स हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक कॉमन ले लेता हूँ। सोचो मैंने जब इसमें से एक कॉमन लिया होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए अपॉन एक्स प्लस सी बाय ए बन गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करके, माइनस माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। आप समझो इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बन जाएगा। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर माइनस, आपको मालूम है माइनस बी बाय ए कौन होता है? अगर इसके पॉलिनोमियल के दो जीरो अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय। तो हम माइनस बी बाय ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाय ए की जगह अल्फा इंटू बीटा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आएगा, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जो एक कॉमन आता था ना, हम उसको जीरो में भेज देते थे, या जीरो से कंपेयर करते हुए जीरो में बन जा जीरो बन जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं होने के कारण ये बचता है। तो ये दो, ये पॉइंट भी बहुत काम का है, इस पॉइंट का सबसे ज्यादा यूज जब आप लिमिट वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें बहुत काम आता है ये पॉइंट। तो लिमिट के अंदर भी काम आएगा और इस चैप्टर में भी काम आएगा। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, तो हम उसको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो लीडिंग कॉफिशियंट है ना, वो बाहर रहेगा। लीडिंग कॉफिशियंट आपको मालूम है, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर मैंने जो सबसे मैक्सिमम डिग्री है ना, उसी का कॉफिशियंट लीडिंग कॉफिशियंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ये बाहर रहेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा उसका, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चन को लेते हैं। सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आज नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के बाद उस पर इम्पोर्टेंट चार पॉइंट जो हमारे काम के थे वो हमने पढ़ लिए। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ रूट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें यह है कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। आपको इसमें कितने रूट्स होंगे ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है तीन, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है दो, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर चार। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे ये आपको पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं अपन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, इस मॉड एक्स को टी सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमको मॉड एक्स में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया ही नहीं हमने, तो हम मॉड एक्स को क्या सपोज कर लेते हैं, टी। जब मॉड एक्स को टी सपोज करेंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या बनेंगे, एक तो हो जाएगा टी माइनस वन, और एक हो जाएगा टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके दिया जाएगा वापस, तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब दो का दो नंबर का दो हमारे पास ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है, तो या तो ये जीरो हुआ होगा या ये जीरो होगा। अगर टी माइनस वन जीरो, या फिर टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर टी इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, तो टी की वैल्यू वन, और टी इज इक्वल टू, अगर टी माइनस टू जीरो रहा होगा, तो टी की वैल्यू टू। लेकिन हमको टी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो
तो टी किसके बराबर है, मॉड एक्स के, तो इसका मतलब हम लिख देते हैं, इसका मतलब मॉड एक्स की एक वैल्यू तो 1 आ गई और एक मॉड एक्स की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। अगर मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, या अपने मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हो, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। तो आपके पास टोटल 4 रूट आए हैं, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2, तो टोटल जो हमारे पास रूट आए हैं वो कितना है, 4। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इफ, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू जीरो इज टू थर्ड ऑफ अदर रूट, इज टू थर्ड ऑफ अदर रूट, देन फाइंड सम ऑफ रूट। क्वेश्चन वाले कहा है आपसे कि देन फाइंड अदर रूट। क्वेश्चन वाले ने आपसे ये कहा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, इसमें जो एक रूट है वो दूसरे रूट का टू थर्ड है, टू थर्ड का मतलब 2/3 है। तो क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि सम ऑफ रूट आपको फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी, देन फाइंड सम ऑफ रूट है, ठीक है, देन फाइंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं अपन, सम ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, इसका एक रूट सपोज कर लिया हमने अल्फा है, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, एक रूट जो है वो दूसरे रूट का टू थर्ड है, टू थर्ड का मतलब 2/3 है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 2α/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों रूट हमारे को मालूम है, तो दोनों रूट मालूम है तो पहले दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, सॉरी सम निकाल देते हैं, अल्फा प्लस 2α/3, सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस माइनस 10/a का वैल्यू है के। अब इनको अगर सॉल्व करें अगर हम, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3α+2α, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, 3α+2α 5α/3, और ये हो जाएगा 10/k, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे पास। अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना, तो हमको इसमें k मालूम नहीं है पहले तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ले लेते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होगा, अल्फा इंटू टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ रूट, मैंने आपको इसकी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए ये इतना, ये इसका आंसर चाहिए, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, PUR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट वो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा इंटू 2α/3, और वो कितना होता है सी बाय, सी क्या है यहाँ पे 3, और ये कितना है के, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2α² / 3 इक्वल टू 3/k। अब हमको तो क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं या के की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो ध्यान से देखो आप, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, या पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/2k, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9/2k, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं वो कितनी आएगी, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वही से पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, उससे के की वैल्यू आ जाएगी और के की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे, तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इस 5 से काट देते, इसको एक काम करते हैं ना, पुट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी, कटेगा इससे 2 बचेगा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, मैंने 6 बाय के, अल्फा की वैल्यू जो 6k/1 है, 6/k है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं, जब पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, तो 36/k² इज इक्वल टू 9/2k, आया समझ में, इस के से एक के कैंसिल हो जाएगा और 9 से 36 कैंसिल होगा 4 टाइम, के बचा 4/k इज इक्वल टू 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और अगर के की वैल्यू 8 आ गई तो याद है आपको सम ऑफ फ्रूट हमारे पास 10/k है, सम ऑफ फ्रूट कितना है 10/k, तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास जो सम ऑफ फ्रूट आएगा वो आएगा 10/8। 10/8 मीन्स 5/2। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्या किया मैंने, सम ऑफ फ्रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाला, हमको अल्फा को रिमूव करना था तो हमने पहले के की वैल्यू निकाली, उसके लिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट किया, के की वैल्यू 8 आ गई, फिर वो के की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया क्योंकि हमको सम ऑफ फ्रूट चाहिए था, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वेश्चन वाले ने थर्ड में बोला है कि इफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स हैज टू रूट्स 2+√3 एंड 2-√3 एंड सेटिस्फाइज f1 इज इक्वल टू टू, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वेश्चन वाले ने कहा है देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हाँ सर, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, उसके रूट्स गिवन है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 2+√3, बीटा की वैल्यू 2-√3 एंड सेटिस्फाइज f1 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हम सपोज करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सपोज करते हैं लेट बी द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज fx इज इक्वल टू ax² + bx + c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके रूट्स आपको दिए हुए हैं, अल्फा कितना है 2+√3 और बीटा कितना है हमारे पास, जो बीटा है वो दिया है 2-√3। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो रूट मालूम है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू ax - α और x - β की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं, तो अल्फा बीटा तो हमको मालूम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अल्फा की जगह ये वैल्यू, बीटा की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं। अगर ये डालेंगे तो ax - α की जगह हमने डाल दिया है 2+√3 इंटू, यहां हमने डाल दिया एक्स, या तो आप ऐसे करो या फिर इसका एक और तरीका है जिससे बहुत आसानी से बन जाएगा, और वो आसान तरीका है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a into x² - sum of root + product of root, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में, तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा आसानी से बन जाएगा, तो x² - क्या करना है आपको, सम ऑफ रूट दोनों को ऐड करोगे तो -√3 +√3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा -4x+, फिर क्या करना है दोनों का मल्टीप्लाई, सोचो अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा की वैल्यू है 2+√3 और बीटा की वैल्यू है 2-√3, अगर आप इसका इसमें सॉल्व करोगे तो a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b² तो 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3 कितना आ जाएगा 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है 1 हमारे पास। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो एफ एक्स ही आ गया, a into x² - 4x + 1, लेकिन अभी भी a मालूम नहीं है अपन को, a की वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन वाले ने a की वैल्यू के लिए एक इलाज कर रखा है, उसने कहा है कि f1 की वैल्यू 2 है, f1 की वैल्यू 2 है, मतलब आप फंक्शन में अगर x की जगह 1 लिखते हो तो आंसर कितना आता है 2 आता है, तो अब हम इसका यूज करते हैं, f1 इज इक्वल टू 2, तो हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना देगा, ये 2 देगा, तो अब हम इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो a into 1 का स्क्वायर - 4 into 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सॉल्व करो इसको तो a ये हो गया 1, ये 1 और ये 1 मिलके हो गए 2, 2 - 4 कितना होगा -2 इज इक्वल टू 2, -2 का डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, a की वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे और हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो a की वैल्यू हम लोग इसके अंदर -1 पुट कर देते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो fx इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का फोर एक्स हो जाएगा और माइनस का वन। ये हमारे पास एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आया है जिसके रूट तो होंगे 2+√3 और 2-√3, और वो f1=2 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज किया लेकिन उसके रूट हमको अल्फा बीटा मालूम है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फिर हमने f1=2 में सेटिस्फाई करा कर वन की ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ सर आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी है 4 या 5, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x²-7x+k=0 आर रैशनल, देन के इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन वाले ने कहा है तो k की वैल्यू क्या होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रैशनल रूट्स है, तो आपसे पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने जो पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा उसमें आप ध्यान से देखो, अगर तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है प्लस के इक्वल टू जीरो, इसमें ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू के है। ये सारी की सारी वैल्यू कैसी है, इंटीजर वैल्यू है। अगर ये सारी की सारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू है तो उस केस में इसके रूट्स रैशनल तब होते हैं जब हमने एक केस पढ़ा था डी ग्रेटर देन जीरो वाले में, और उसमें हमने कहा था कि डी ग्रेटर देन जीरो के दो केस बनते हैं, जब डी क्या हो रहा हो परफेक्ट स्क्वायर बने, और एक हमने पढ़ा था कि डी जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। तो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनता था उसके रूट्स कैसे आते थे, रैशनल रूट्स आते थे, और उसके अगर रैशनल रूट्स आते थे इसका मतलब डी जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन वाले ने यही तो कहा है कि रैशनल रूट्स है, रैशनल रूट्स है, इसका मतलब जो डी होगा हमारे पास वो डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू 6, के की वैल्यू, सी की वैल्यू के। सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू आती है 49-24k। अब आपको सोचना है नंबर, ध्यान रखिएगा जो k होगा वो भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर ही होगा। माने ये ए बी सी रैशनल नंबर होते हैं तभी हम लोग ये केस लगाते हैं। जो वैल्यू है वो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो हमको वो सारी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो सोचो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, k की जगह मैंने 0 लिख दिया। अगर मैंने k की जगह 0 लिखा तो d की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 49, और 49 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर, इसका रूट 7 होगा। इसी तरह से अगर मैंने k की वैल्यू क्या लिख दिया, 1, अगर मैंने k की वैल्यू 1 लिखा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 24 × 1 = 24, 49 - 24 d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, और ये भी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से अगर मैंने k की वैल्यू 2 रख दिया, सोचो अगर मैंने 2 रखा तो d की वैल्यू यार 2 रखते 48 हो जाएगा, 49 - 48 1, और 1 भी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 2 रखा तो भी d कैसा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैंने k की वैल्यू 3 रख दिया, अगर मैंने 3 रख दिया तो के डी जो है हमारे पास है वो लेस देन 0 हो जाएगा, d कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और d अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो रैशनल रूट तो देगा ही नहीं, वो तो इरेशनल रूट देगा। अगर d नेगेटिव आ गया तो कैसा होगा, इरेशनल रूट देगा, इसका मतलब d जो k की वैल्यू है वो 3 पॉसिबल नहीं है, केवल k की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 पॉसिबल है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो जो k की वैल्यू आएंगी वो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के
रैशनल होने के लिए के की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। एक हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा, और उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पांचवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो हमारे पास, उसमें लिखा है इफ पी क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैव कॉन्सिलेंट रूट्स देन सो दैट 2 अपॉन पी इज इक्वल टू 2 पी 1 अपॉन पी 1 अपॉन आर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन वाले ने कॉन्सिलेंट रूट बोला है। कॉन्सिलेंट रूट्स का मतलब होता है सेम रूट, सेम रूट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये या तो सेम या फिर इक्वल। इक्वल का मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम है। अब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको मालूम है डी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो आप डी इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं। आप इसको घर से ट्राई करना, डी इक्वल टू 0 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दूसरे मेथड से करवाता हूँ। उसमें जो कॉफिशियंट है वो मैं लिख रहा हूँ पी क्यू माइनस आर, बी है वो क्यू आर माइनस पी, और जो सी है वो है आर पी माइनस क्यू। आपको ये देखने से जो रूट्स है ना, रूट्स के कॉफिशियंट जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो साइक्लिक ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, पी क्यू माइनस आर क्यू आर माइनस पी आर पी माइनस क्यू। अब हम चेक करते हैं क्या इनका सम भी 0 है। अगर इनका सम 0 आ गया तो एक रूट हमारे पास अल्फा जो होगा वो 1 हो जाएगा, और एक रूट 1 हो जाएगा और दूसरा सी बाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर माइनस पी क्यू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो कितना हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। ये हमारे पास दो वैल्यू आई। अगर हम इनका सम करते हैं माने ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। देखो आप, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल हो रहा है, प्लस का पी आर माइनस का पी आर कैंसिल, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी के 0 आ गई तो हमारे पास जो एक रूट अल्फा है वो कितना हो गया, 1। और आपको मालूम है एक रूट अगर अल्फा 1 हो गया तो रूट कॉन्सिडेंट दे रखे, कॉन्सिडेंट दे रखे मतलब दोनों रूट इक्वल है। इसका मतलब जो दूसरा रूट है वो बीटा, वो कितना होता है, 1। लेकिन हम बीटा के बारे में जानते हैं कि जो हमारे पास बीटा होता है मतलब दूसरा रूट होता है वो सी बाय ए होता है। अगर एक रूट 1 है तो साइक्लिक ऑर्डर में दूसरा रूट सी बाय ए होता है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। तो पहले हम सी बाय ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी कितना है हमारे पास, ये रहा पी आर माइनस क्यू आर अपॉन ए कितना है हमारे पास पी क्यू माइनस पी आर, और इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी इस बीटा की, 1। तो हम इधर लिख लेते हैं बीटा की वैल्यू ये भी है और बीटा की वैल्यू ये भी है, दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब हमारे पास जो आ जाएगा ये वो ये आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये बन जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर। अब पूरे इक्वेशन में पी क्यू आर से डिवाइड, जब मैं पी क्यू आर से इसमें डिवाइड करूंगा और जब इसमें डिवाइड करूंगा पी क्यू आर से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। आप ध्यान से देखो, जब इसमें डिवाइड होगा तो पी आर कट जाएंगे, 1 अपॉन क्यू बचेगा। जब इसमें डिवाइड होगा तो क्यू आर कट जाएंगे, 1 अपॉन पी बचेगा। जब इसमें डिवाइड होगा तो पी क्यू कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन आर। इसमें डिवाइड करेंगे तो पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन क्यू बचेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस 1 अपॉन क्यू को इधर ला रहे हैं, तो 1 अपॉन क्यू माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन क्यू, ये उधर जाकर प्लस का, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ करना था, ये हमने आंसर निकाला। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बेस्ट उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जिस तरीके से पहली वीडियो को देखा, शेयर किया, इसी तरह से इस वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। मैं कंटिन्यू इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा और आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी, इसीलिए आप घर बैठ के इस लेक्चर को देखते रहिए। देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।